चोरी के टुल्लू पंप सहित दो लोग गिरफ्तार। सूरजपुर जिला के थाना रामानुजनगर पुलिस की कार्रवाई। कल 25 फरवरी को ग्राम शिवनंदनपुर निवासी ठेकेदार शिव कुमार गोयल ने रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिवरागुड़ी से पंडीपानी तक स्टेजिंग के उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कराया जा रहा है, जहां टुल्लू पंप लगाई गई थी, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया। संदेह के आधार पर हरवंश उर्फ नान बाबू को पकड़कर पूछताछ की। उसने पंप को चोरी करने के बाद सलीम टोप्पो उर्फ बड़े बाबू को 500 रुपए में बिक्री करना बताया। टुल्लू पंप खरीदने वाले सलीम बाबू को भी पुलिस ने गिरफ्तार की और 4500 रुपए कीमत के पंप को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें टुल्लू पंप चोरी करने वाले हरवंश उर्फ नान बाबू, पिता जयनाथ सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी तिघोड़ी, और खरीदी करने वाले सलीम पप्पू उर्फ बड़े बाबू, पिता धर्म टोप्पो उम्र 25 वर्ष निवासी गोलहाघाट थाना बैकुंठपुर जिला कोरिया है। इस कार्रवाई में एसआई मणि प्रसाद राजवाड़े, एएसआई विष्णुदेव पैकरा, हंसराम कनेडिया, धनंजय साहू, कौशलेंद्र सिंह और रजनीश पटेल का योगदान रहा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।